हेलो एवरीवन, दिस इज लेजियार्क और आप लोग स्वागत है जुरासिक वर्ल्ड में। तो जुरासिक के हम लोग फाइनली आइलैंड मैप में एक्चुअली। तो हम लोग एक्चुअली लास्ट मैप में, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अपना हार्डकोर का सीरीज जस्ट शुरू किया था। और उस हार्डकोर के सीरीज में हम लोग एपिसोड के जस्ट लास्ट के ख़त्म होते होते हैं, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे इन लोगों को टेम करने के लिए। बट एज ये लोग वैसे भी पासिव टेम थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं टेम होने में। तो मैंने वो एपिसोड वहीं पे ख़त्म कर दिया था और मैंने बोला था कि अगले एपिसोड तक टेम करके हम लोग कोशिश करेंगे इन लोगों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का। सो मैंने इन दोनों को टेम किया, एक हाई लेवल का था एक लो लेवल का था। अभी हमारे पास दो हो गए, दोनों से फ़ायदा होगा एटलीस्ट। आई नो अपोजिट जेंडर्स के नहीं है तो मेड बूस्टेड भी हो जाते हैं, बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक इसको मैं थोड़ा ही है, इसको बस 5,000 होने के बाद जितना भी इसको फुल एंड डैमेज करेंगे और इसका थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे कि इतना हो चुका है, जैसे कि ये एंड आई थिंक काफ़ी है। इसके बाद जितना भी होगा सिर्फ डैमेज पे हम लोग बढ़ाएंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे दो हो चुका है और फिर हम लोगों का दो ये भी हो चुका है। लाइक मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक मस्चफ चल रहा है और एक और उधर भी मस्चफ घूम रहा होगा। एक मिनट मैं अपना पहले ये चालू कर दूँ। और उसी के साथ हम लोगों का नार्कोटिक्स भी शुरू हो गया ऑलमोस्ट यहाँ पे, जैसे कि इतना बन चुका है एंड हम लोगों को और भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरा और भी कुछ रॉ मेट्स है जिन लोगों को हम जल्दी और भी अपग्रेड करने वाले हैं एंड जैसे कि। तो ये हो चुका है, इसके बाद ये एंड ये बाकी। तो जहाँ तक मैं बात किया था इस बारे में, एक मिनट, क्या मेरे पास और वुड्स है? ओके, आई थिंक वुड से फायदा ये होगा कि हम लोगों को मेनली अभी दो चीजों का जरूरत है। पहला चारकोल का, ओके, जिससे हम लोग गन पाउडर्स बना सकें। और फिर उसके बाद दूसरा स्पॉइल्ड मीट का, जिनसे हम नारकोटिक्स बना सके। तो दो चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम दोनों चीज़ पर भी ध्यान दे रहे हैं जहाँ तक बात है। और भी एक चीज़ पे ध्यान देना है, आई थिंक मैं उसको भी अगर अभी शुरू कर दूँगा तो सही रहेगा। वो है मेनली, अगर मैं सही से बात करूँ तो बिन। तो दो टाइप का बिन है, पहला तो एक ये है प्रिजर्विंग बिन, उसके बाद है यहाँ पे कंपोस्ट बिन। तो कंपोस्ट बिन आई थिंक अगर मैं दो भी लगा देता हूँ तो आई थिंक सही रहेगा। जहाँ तक बात ये है तो ये एक्चुअली में अब होता है, गेस्ट आते रहते हैं कभी कभी। तो जहाँ तक अभी ये चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि अभी कंपोस्ट बिन को एक्चुअली में हम लोग अभी के लिए ऐसा लगा दे रहे हैं, जितना चल रहा है चलने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि नॉर्मली जितना भी काम चलेगा चलने देंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं अगर लेसे कि 2,000 अगर मैं मंगा लेता हूँ और उसके बाद इसको हाफ कर देता हूँ। बेसिकली एक बनाने के लिए वैसे भी सिर्फ 50 का ही ज़रूरत होता है, तो 1,000 कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। वैसे भी मुझे उतना ज़्यादा नहीं मिलने का सोचा था, बट चलो ठीक है, हो गया। तीन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं, शायद मेरे पास और भी रखे हुए हैं। फेसेस 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 फेसेस, ओह, हम लोगों को जल्दी बेरी प्लांट भी लगाना पड़ेगा ताकि बाकी चीज़ों से काम हो सके। एंड बूम, आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। छः, ठीक है। तो यहाँ का भी काम कंप्लीट हो चुका है, ये वो। अरे ब्रो, कितना निकालोगे यार? अच्छा लो, तो अभी क्या करना है कि दो चीज़ें, पहला कि हम लोगों को सोलगन के लिए ध्यान देना है कि सोलगन को कैसे बनाया जा सकता है। लाइक सीमेंटिक पेस्ट का ज़रूरत है जो कि इधर की साइड नहीं है, मेटल इंगोट्स एंड पॉलीमर्स। ओके, तो क्या किया जाए, मेनली एक काम कर सकते हैं अभी के लिए, 7 एज ये कम लेवल का है उसको हम अंदर डालने वाले हैं और उसके बाद इसको लेके चलते हैं। तो अगर लेवल अप करना है, जैसे कि आई थिंक मेरे पास और लेवल अप्स आ चुके हैं। हाँ, तो मुझे, अरे हाँ, मैं इसके बारे में कैसे भूल गया, हमारे भाई लोग तो इधर बचे हुए हैं। लास्ट एपिसोड में मुझे एक बहुत ही क्यूट सा क्रैब मिला था, क्या वो, मैंने जब उसको मारा तो उसने मुझे कुछ अलग से रिसोर्सेज दिया और एक यूनिक काइंड ऑफ उसका क्रैब आया, हैंड आया, जिसको क्लॉ आया, जिसको मैंने खाया तो मेरा फूड ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो मैंने नोटिस किया कि ये किस टाइप का डायनो,
फिर मुझे पता चला कि हम उसको टेम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि जब मैं इसके आसपास गया, तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा भागता है, तो जब मैं इसके पास गया तो इसके टेमिंग प्रोसेस में लिखा हुआ था ट्रैप। तो मुझे लगा मैं भी ट्रैप करना है, तो मैं इसके ऊपर केज डाल दिया, और अभी के लिए मेरे पास बास्केट है। वैसे भी क्रैब सी में बिलोंग करता, तो मैं भी, अगर चांसेस है जैसे कि ये, तो अगर ये इसको ट्रैप कर पा रहा है, ओके ट्रैप इनिशिएटिंग, ओके ये, तो आई थिंक हम लोग इसको ट्रैप कर चुके हैं सच में। एक मिनट, ये सच में ट्रैप हो गया? हो, कितना क्यूट लग रहा है। मैं सोचा नहीं था क्या सच में इतना मस्त लगे हो देखने में। मैं तो मजाक मजाक में ऐसे ट्रैप कर दिया, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा ट्रैप भी होने लायक सिचुएशन है ना क्या। तो अब अगर ऐसा ट्रैप हो सकता है, तो अब हम बहुत सारे फिश बास्केट्स डालेंगे। ये किस किस टाइप का है? एक्वेरियस फिश बास्केट, नॉर्मल फिश बास्केट, एंड एक्चुअली मैं कर देखा जाए तो ओ सो ओके ओके मे बी 5। ओके तो जब तक ये बन रहा है हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और उसके बाद ये, बट कुछ भी हो, क्या मैं इसको, ओह कुछ ज़्यादा दूर फेंका गया। कितना मस्त लग रहा है। तो इसका हेल्थ देखा जाए तो कम है, स्टेमिना वैसे तो ये किसी काम का नहीं है, बट अच्छा लग रहा है देखने में। सो मेरे पास एक्चुअली में देखा जाए तो और भी एक ट्रैप है, जिसको मैं दूसरे साइड एक्चुअली में ट्रैप करके रखा हूँ। चलो उसको भी फिर लेके आ ही जाते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, एंड बूम। एक मिनट, ये कितने लेवल का है? ओ ये 196 लेवल का है। हाँ उसको डांस करने करने देंगे, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। मैं सोचा नहीं था कि वो ऐसे ऐसे वीडियो जैसा हो घूम रहा होगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको एक्चुअली मैं अंदर छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पहले इसका लेवल अप करना है, एज ये ज़्यादा पावरफुल भी है, और इस सेंस में तो हम लोगों को कुछ कुछ। अच्छा हाँ, हेमरेड से भी मुझे याद आया, हेमरेड का मैं चेक किया तो हेमरेड का मुझे पता चला 200 के आसपास डैमेज, और इसका पुशबैक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ मैं उसको मारना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। ये कुछ ज़्यादा ही दूर खींच रहा है। ठीक है, मैं भी अच्छा रिसोर्स मिल जाए मुझे एक। ओ हाँ इसमें से भी मिल गया। मैं ये बोलने वाला था कि मुझे एक बार एक ट्रायल वाइट्स में से मुझे एक बार ब्लैक पर्ल मिला था, और इस बार फिर से मिल गया। वैसे तो मेरे पास एक क्रैब है, तो मैं काम कर सकता हूँ, दूसरा वाला क्रैब को भी लेके आ जाता हूँ मैं भी, क्योंकि अगर ये सोल्जर पेट है तो मे भी इसका कुछ तो यूसेज होगा, लाइक कुछ तो यूसेज होगा। एक डाइनो वैसे भी यूजलेस पूरा नहीं होगा। हाँ ये रहा, सो मैं इसको भी ट्रैप करके भाग गया था, और फिर मुझे लगा नहीं था कि और वो ट्रैप होगा, तो उसके बाद उसको छोड़ दिया था। तो जब तक एक काम करते हैं, जब तक ये हो रहा है उसको करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, और ये 110 लेवल का, तो आई थिंक किधर गया वो। ये बेटर लगा, एंड कैसा लग रहा है सर? ओ गजब गजब गजब। चलो तो अब बस हम लोगों को ये करना है। ठीक है, एंड किधर गया किधर गया। चलो तो यहाँ के दोनों काम हो चुके हैं हम लोगों का, अब काम बस एक बाकी है, कुछ रैप्टर्स को टेम करना, एंड उसके बाद। ओके मुझे यहाँ पे चार चार रैप्टर्स में दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट, मैं शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ 26 लेवल का और मेरे पास 76 है। ओके 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 तो आई थिंक मेरे एरोस अनलॉक हो चुके हैं। हाँ, और
मेरे अगर एरोस अनलॉक हो चुके हैं तो मैं फिर अभी तक ये क्यों नहीं बनाया क्रॉसबो। चलो सब कुछ रिवर रॉक्स को तोड़ते हैं और उसके बाद जितने भी मेटल्स कलेक्ट होते हैं उन मेटल्स को लेके कोशिश करते हैं ये बनाने का। पहले स्मिथी, एंड देन स्मिथी बनने के बाद पहले तो ऊपर चढ़ू मैं। ओ कुछ ज़्यादा ही स्पीड अच्छा है, डैमेजिंग अच्छा है, और हमें क्या चाहिए अगले स्टेज के लिए। ऊपर से पासिव टेम था तो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा फायदा मेरा हो गया है। मुझे वैसे तो यहाँ पे कहीं पे भी मेटल नोड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक बात आ रहा है क्रिस्टल्स का तो टेंशन नहीं है, मैं अंदर जाके क्रिस्टल्स निकाल सकता हूँ, पर तब भी नो 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 मुझे एक टेरानो भी टेम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के टेरानो थोड़े ज़्यादा वियर्ड है। ओ सिक ओ सिक, हम लोग गलत जगह आ गए, शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। क्या मैंने फाइट जस्ट जीत लिया? मुझे शायद एक मिनट। ओ डीएनएस, ओके ओके। मुझे मेटल नोट्स का जरूरत है शायद, तो मैं इधर बेवकूफ़ी क्या कर रहा हूँ। वो रहा टेरानो, हाँ मुझे लगा ही था। सो मुझे अभी के लिए उस टेरानो को अवॉइड करना है, ओके, क्योंकि वो बिना मतलब के अटैक करता रहता है। वैसे भी मैं उसको अभी टेम नहीं कर पाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी अगर हाई लेवल के हम लोगों को रैप्टर्स मिलता है तो हम क्या करेंगे कि जितने भी रैप्टर्स हैं लो लेवल वालों को मार देंगे और उन लोगों का जो लीडर है उनके बीच में हम उनको टेम करते जाएंगे। इस एलिफेंटोसॉरस के पीछे एक रैप्टर का आर्मी बहुत ज़्यादा ही कूल लगेगा देखने में, ओके। सो उस सेंस में मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरा अगर कोई थिंकिंग है तो मुझे पहले तो मेटल्स चाहिए, तो मेटल के लिए क्या किया जाए वही सोच रहा हूँ। ओह शिट, कुछ ज़्यादा ही गिर गया, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या मुझे मेटल नोट्स कहीं मिलेंगे? मेटल नोट्स कहीं मिलेंगे आसपास में? आसपास नहीं, या फिर रिवर रॉक्स? ओ सेट, मे बी इससे काम हो जाएगा मेरा। बहुत ज्यादा खराब था आइडिया। क्या किया जाए? अरे मेरे एक दो वेपन भी बन जाता तो यार उतना काम हो जाता। लाइक जो जितने भी बेसिक वेपन्स हैं वहाँ अगर वो भी काम हो जाता तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। पहले फोर्ज का जरूरत है, ठीक है। उसके बाद किधर गया? तो फोर्ज को हम यहाँ डाले, एंड अगर मैं फोर्ज को देखूँ तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे बूट का जरूरत है। इसको पूरा खींचो और एलिफेंटोसॉरस का पूरा खींचो, एंड इसका 77 खींचना, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे वुड हो चुका है, एंड अगर मैं इसको पहले ये कर देता हूँ, ये भी बनने देते हैं। उसके अलावा एक काम करते हैं, जितने भी स्क्रैप मेटल्स हैं। वाओ सीरियसली, मुझे लगा कि ज़्यादा होगा मेरे पास। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, इन लोगों को बचा के रखना है। मेरे को मेरा सिचुएशन पे हंसी आ रहा है, ठीक है। इसका क्या किया जाए? बंदे को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे बैठा रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में। ओ कितना मस्त लग रहा है देखने में। इसका मैं क्या बढ़ाऊँ, क्या बढ़ाऊँ, क्या बढ़ाऊँ, क्या बढ़ाऊँ, क्या बढ़ाऊँ?
वेट कैपेसिटी बढ़ा देता, बंदा वैसे भी यहाँ पे बैठ के आ रहा हुआ, वैसे भी कुछ नहीं करने वाला है। तो आई थिंक 5 हो चुका है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड उसके अलावा जैसे कि अगर मुझे कोई भी चीज़ पे ध्यान देना है तो वो हुआ शायद आई थिंक स्मिथी, स्मिथी क्या बन सकता है, और एक मेटलिंग गॉट, और एक मेटलिंग गॉट, और एक मेटलिंग गॉट। ओके एंड हमारा स्मिथी पहले बनने वाला है, बन गया। एक मिनट मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाँ मेरा फिर से चेंज हो गया, ठीक है। ओके ये बेटर ना, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, दो चीज़ जो जिन चीज़ों का मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर इसका कितना लगेगा, 8, ये एक। अरे यार मुझे ये बनाना तो, मगर अभी इन लोग से कैसे मैं बनाऊँ वो सोच रहा हूँ, अब पॉसिबल नहीं है। ओ एक काम कर सकते हैं, एक आइडिया है मेरे माइंड में। जितने भी मेटल्स हैं अगर मैं उनको तोड़ के, अभी के लिए कुछ भी, मतलब इन लोगों को तोड़ के अगर मैं जितना भी हो सके अगर उतना भी कलेक्ट कर लूँ तो सही नहीं रहेगा, मुझे लगता नहीं है। पर ये सब मुझे मेटल वैसे तो देने वाले हैं, क्योंकि अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेटल एक्चुअली में मिलेगा कैसे। अगर मैं एक राफ्ट बना पाता हूँ, जैसे कि मुझे लग रहा है कि मैं शायद एक राफ्ट बना सकता हूँ, एंड क्या नाम है उसका, स्टोरेज नहीं, स्टोरेज नहीं, हम सीधे ये बनाएंगे। किधर गया, ओ ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है एंड हम यहाँ से निकले, मैं आता हूँ थोड़ी देर में कुछ ये लेके, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ काम करेंगे। एंड किधर 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 किधर, शॉर्टकट किधर है, शॉर्टकट किधर है जिधर से मैं लिट्सिस को अवॉइड कर सकूं, क्योंकि मुझे उनके रास्ते में नहीं जाना है कुछ भी करके। वैसे भी मेरा ये हार्डकोर चल रहा है, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं हार जाऊं। एंड ओ क्या ये लोग भी उसी टाइप से काम करते हैं जैसे मैं सोच रहा हूँ। ओके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ थोड़ा धोखा हो गया। क्या ही है सब, ठीक है। आई विश कि कोई लिट से मुझ पर अटैक ना करें, एंड ऐसा ही हो। ओके यहाँ पे बहुत, एक मिनट ये क्या है, ब्रोटूथ माकोसार्क एंड देन सिनेमा। ओ बहुत सारे क्रिएचर्स है यार यहाँ पर। एक मिनट ये बहुत ज़्यादा कूल लगा मुझे देखने में, बट सभी के सभी पासिव क्यों हैं, नो आइडिया। हम लोग जिस काम से अभी जा रहे हैं हम लोग वहीं चलते हैं। ओ स्वीट, सोनियो सोरस, इतने बड़े बड़े डायनो यहाँ पे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि मैं अगर उन लोग के सामने गलती से भिड़ भी जाता हूँ तो मैं ही फंसूँगा। मेरे पास वैसे भी इतना आर्मर्स नहीं है कि मैं उन लोगों से टक्कर ले सकूँ, तो रिस्क लेना सही नहीं है। एंड नो आइडिया, मे बी क्या पता, एक मिनट, कोई बोट पे अटैक करने तो नहीं है, कोई आया तो नहीं है, कोई आया तो नहीं, कोई आया तो नहीं है, नो। आई होप कि मुझे यहाँ पे कुछ, वो मोसासॉरस है, बट वो मोसासॉरस यहाँ पे क्या कर रहा है पानी के ऊपर। मे बी मैं उसको मार के शायद बूस्ट ले सकता हूँ। ओ
मुझे लगता नहीं कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है वैसे भी उतना ज़्यादा। मेरा हेल्थ 10,000 के आसपास तो है, बट नो आइडिया कि वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सो मुझे वैसे तो पानी में जाना नहीं चाहिए। ओ यहाँ पे हर जगह मौसम वाले से है। देखते हैं, अगर एक मोसासॉरस हम लोगों को पानी के बाहर अगर मिल जाएगा तो सही रहेगा। ये सस्ता सॉरस क्या है, सस्ता सॉरस? ओहो, कहाँ से इतना फनी फनी नाम ये लोग सर्च करते हैं। ना, उसके अंदर नहीं जाएगा, कॉमन सेंस है। ओ सेट 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 सेट, भागो 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 भागो। छोड़ो, मैं जिस काम से अभी आया पहले वो कर लेता हूँ, बेसिक्स प्रिमिटिव्स ले लेता हूँ, उसके बाद फिर कुछ सोचा जाएगा। ठीक है, तो अच्छा वो मैंने यही बना लिया था जिससे मेरा मेटल एटलीस्ट कलेक्ट हो जाएगा। बेसिक जितना भी मेटल्स मैं कलेक्ट कर सकता हूँ हम लोग उतना लेकर अभी निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर वापस आएंगे बाद में, क्योंकि मेरे पास अपग्रेड स्टेशन भी हैं। तो इन वेपन्स को मैं थोड़ा और बेटर बनाने के बाद में भी हम लोग अगली बार और ट्राई कर सकते हैं। पर क्या होगा कि अभी के लिए अगर एटलीस्ट मैं लाइक 1,000 के आसपास भी अगर कलेक्ट कर लूँगा तो शायद काम हो जाएगा उतने में। काश मेरे पास एनकालो या अभी से कुछ होता तो सही रहता, बट नहीं। और कोई डायनो है जो मेटल कलेक्ट कर सकता है? जुरासिक में वैसे तो आइडिया नहीं है मुझे। एटलीस्ट क्या होता है कि हर डायनो के पास ना लिखना चाहिए था कि ये इस रिसोर्सेस में बेटर है, इसका ये है, ताकि इतना दिक्कत नहीं होता हम लोगों को। क्रैब मस्त लग रहा है देखने में। ओ, ये मेटल नॉट नहीं था और मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, अरे 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 अरे, ड्यूड ड्यूड ड्यूड, लगता है हम अटक गए। ओह गोल्डन मेटल, और कितना देगा भाई? हो गया भाई, हो गया। उसके अलावा आई थिंक मैं यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ। ओह हम लोगों का फाइनली 1,000 हो गया, पर तब भी मुझे और अगर एक दो मिल जाएगा तो तोड़ लूँगा, ताकि जब मैं अगली बार आऊँ तो ये नॉर्मल टेरन है। शायद यहाँ पे 3 है या 2 है मेटल नोट्स, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओह 3 है, चलो ग्लैड, कुछ ज़्यादा ही निकला सही। हाँ 1 मिनट, 4 है शायद, पीछे भी एक और है। नहीं 3 ही है, मुझे लगा तो 4 होगा। थोड़े हाई लेवल के मिलते हैं तो सही है ना। ओ वो 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 वो, नहीं 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 सो हम लोगों का यहाँ काम खत्म हो चुका है एंड हम लोग वापस निकल रहे हैं अपने घर, यहाँ पे हम लोगों को मेटल का ये करना है। आई थिंक हम लोग रेडी है। भागो 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 भागो। बाद में यहाँ पे कौन कौन से डायनोज अवेलेबल है? मेगालोडन, सस्ता सोरस, सस्ता सोरस तो हर जगह भरे हुए।
यार वो मोसासॉरस मिल जाता तो मजा आ जाता, मीन्स अगर वो बीच में आ जाता तो शायद सही मैं फाइट कर पाता, बट वो पानी के अंदर है और मेरा हिम्मत नहीं है अभी पानी के अंदर जाने का। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो नो नो, लालच नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड मेटल आर हियर। ओके ओके ठीक है भाई, तुम्हारे पास कुछ है? नहीं, तुम जाओगे घर के अंदर एंड अब निकलेंगे यहाँ से, और जितना जल्दी हो सकेगा पहले तो भागो यार। कोई भी हाई लेवल का मुझे वाटर क्रिएचर नहीं दिख रहा है, जैसे कि मुझे वहाँ पे हैमरेट सार्क वार्क दिखे बट कोई भी हाई लेवल का नहीं था। उसके बाद ये वाला जो एक डाइनो है वो शायद अभी से टेम नहीं होगा क्योंकि वो 35+ लेवल है। मैं उसके पास जाके देखा था एक्चुअली में, जब वो पूरा बीच के करीब आ गया था तब, बट मुझे वैसे तो वैसे कुछ मिला नहीं। अब इसका भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ब्रॉड ब्रॉड टूथ माको सार्क ये जो है ये पासिव कैसे हैं, तो बहुत सारे है। और एज मैं हार्डकोर खेल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अवेयर होकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेरे पास आर्मर होता जैसे कि फ्लैक आर्मर होता या फिर कोई, तो टेंशन नहीं होता, बट अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ इसलिए। तो अभी के लिए मैं थोड़ा ये सब चीज़ में सेफ खेलने वाला हूँ, मे बी उसके बाद जैसे कि थोड़ा टाइम हो जाए उसके बाद हम ये सब चीज़ बेवकूफ़ी कर सकते हैं इसलिए। मेरे बेस के पास एक यूनिकॉर्न घूम रहा है बट मैं उसको अभी टेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कैरेट नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये वैसे भी अभी कहाँ है मेरा बेस? ओ आ गया, वो वैसे भी अभी यहीं पर रहने वाला है तो हम उसको एक मोमेंट के बाद वैसे भी टेम कर ही लेंगे। तो मेरा कहीं ना कहीं टारगेट है उसको जल्दी ये सब करने का, तो अभी नहीं कुछ टाइम के बाद। यहाँ पे एक मुझे एक बहुत यूनिक सा क्रिएचर दिखा था, नहीं ये मैंटा एंड वी आर बैक इन द बेस। एक इस टाइप का क्रिएचर है, नॉकआउट एंड टाइटल सेल। वैसे तो मुझे और आसपास में कोई दिख नहीं रहा है। ओह वाह, 1 मिनट, 260 लेवल का जाइगो फास्टर, वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट डायनो नहीं था? 1 मिनट भाई, तुझे क्या हुआ? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो तो अब सबसे पहला काम है हम लोगों को कुछ वेपन्स बना के ये करना, आसपास में घूमना है, एक रैप्टर का आर्मी बनाना है। बट दिक्कत ये हो रहा है कि रैप्टर के लिए मुझे बेटर नारकोटिक्स और ये सब चीज़ का ज़रूरत है, ठीक है? तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं ये भी कर रहा हूँ, एंड इसको ले जाओ इसमें। क्या हम लोगों को मेटल मिल चुका है? ठीक है, एंड जहाँ तक बात है मेटल का, अरे ओ बेबी क्रैब, ठीक है। तो आई थिंक सब कंप्लीट हो चुका है यहाँ का, और इसमें और क्या अवेलेबल है? कुछ भी नहीं। ओ 2 मिनट और है, सोच समझ के करना पड़ रहा है यार बहुत कुछ। एक मिनट, ओ सॉरी, एक काम कर सकता हूँ, 71 रहने देता हूँ, 100 को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअल में और कुछ एरर्स का भी ज़रूरत है, एंड मेरा लेवल अप कुछ ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, हम लोगों को इसका ज़रूरत है, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ डाल देता हूँ, जितना भी ये कंप्लीट हो रहा है इसको करने देता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। मैं भी ये अभी टाइम है, ठीक है, और कुछ एरो 71 एरोज, ठीक है। तो ये जब तक बन रहा है हम लोग एक काम कर सकते हैं, लेवल अप नहीं हुआ, ठीक है, और मेरा लगे क्या हाल चाल है?
अरे इतना दूर जाने का क्या जरूरत है। ओके इसको ऐसा एंड किधर गया किधर गया किधर गया, ये सब काम कंप्लीट, यहाँ सब कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट। हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर चले गया। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मेरे एरोस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और ये दो चीज़ मुझे करना है। सबसे पहला चीज़ किधर गया वो, पहले इसको बनाना है। ठीक है तो इसको फेंको, उसके बाद ये कंप्लीट हो चुका है, इन दोनों को अब मुझे फेंकना है। तो जैसे कि ये मैं फेंक चुका हूँ, ये फेंक चुका हूँ, और उसके बाद अगर मुझे सबसे पहले तो दो ये बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि एक बना और फिर एक और बना, दो बन गया। अब जैसे कि पाइक तो वैसे नहीं, वैसे पाइक बना लेता तो शायद सही रहता, बट पाइक में हाँ पाइक भी बना ही लेता। क्या वो मेरे पीछे पड़ा है क्या? किधर गया पाइक? ओ टाइम लग गया। ठीक है, तो एक यहाँ एक यहाँ, आई होप कि ये इस पर काम कर जाए। ठीक है, एंड ये वाला इस पर काम कर जाए। ओके एंड मेरे ये कहाँ है? ठीक है, ये कंप्लीट इधर हो चुका है। इधर कुछ और चीज़ नया नया अवेलेबल है क्या? ये क्या है, एंथ्राकोसॉरस इम्प्लांट एंड ये सैडल रिलेटेड, जिन लोगों का आर्मर्स है उन लोगों को सैडल देगा। ओके सो आई थिंक यहाँ का हम लोगों का सब काम हो चुका है, बट सिर्फ इतने में मेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि अब मैं वैसे भी सब के सब ये कर दे रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, किधर गया वो? चलो ओ सेट, उसके बाद एक अपग्रेड स्टेशन भी बनाना है मुझे। आर्बिटरी खुश 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 50 ना है। जल्दी हो यार, ऐसा स्लो में फिर क्या होगा? क्या मेरा यहाँ पे साथ बन चुका है? अरे गजब 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 गजब, पूरा मेरे टाइम पे सब चीज़ चल रहा है। ठीक है, एक पाइक बना के रखने से फायदा। ओके जब तक तो वो एक बन रहा है, मुझे हाँ क्या करना था, 25 ये बनाना था ना। ठीक है, क्या यहाँ पे पाइक बन रहा है? रेडी गाइस, क्या कर रहा है यार? मैं इसको थोड़ा रख लेता हूँ अपने पास, मे भी कभी काम आ जाए। ये हो चुका है, ये हो चुका है, इधर 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 सब बन चुका है। तो ऑलमोस्ट हमारा एक डिफेंसिव आइटम बन चुका है, और उसके बाद फिर ये अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसको मुझे यहाँ रखना है। ये हमारा डिफेंस के लिए हुआ, ये हमारा डैमेज के लिए हुआ, ये टॉर्पर के लिए हुआ। टॉर्पर के लिए 112 ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। अब जहाँ तक आप बात करते हैं क्या मैं कर रहा हूँ, कि अभी हम लोग थोड़ा जाके पहले टेमिंग करेंगे कितना लगता है, उसके बाद जब तक यहाँ पर मेटल इंगोट्स बन रहे हैं हम उसके बाद क्या कर सकते हैं कि 1 मिनट में और एक शायद लगा सकता हूँ यहाँ पे ही वन। नहीं छोड़ो, अभी जब तक ये बन रहा है बनने देते हैं। हाँ एक और मेरा क्या काम था, अगर मैं जैसे कि इसको पहले अंदर डालता हूँ, जल्दी कंप्लीट यहाँ का काम ये हो रहा है, ये इसको पहले फेंको, और इन दोनों को एक काम करते हैं इसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ये मुझे यूनिक आइटम्स लग रहे हैं। इन लोगों को मैं रहने देता हूँ यहाँ पे, वैसे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसको छोड़ देता हूँ, एक यहीं पर रहने देता हूँ, बाकी ऑलमोस्ट आई थिंक टोटली रेडी। ये हो चुका है, ये यहाँ पे है, नार्कोटिक्स यहाँ पे है, एंड ये यहाँ पे। ओके कूल, आई थिंक वी आर टोटली रेडी। ठीक है, हम पूरे रेडी है। अभी यहाँ पे सब चीज स्क्रैप को मैं यहीं पे छोड़ू या कहीं और पे जाने, तो मैं ये सोच रहा हूँ। रहने देता हूँ, बेचारा वैसे भी बहुत खुश, बट मेरा चारों ओर से रास्ता ब्लॉक हो गया। कहाँ पर अच्छा लगेगा देखने में?
वाह, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का ये भी हो चुका है आई थिंक यहाँ का, फिर हम लोगों का आई थिंक ये भी कंप्लीट है। मे बी हम लोगों को कुछ और चीज़ों का अगर ज़रूरत है तो वो है बिलबोर्ड्स का। जैसे कि बिलबोर्ड्स अगर मैं 5 लेके रखता हूँ तो ठीक है, आई थिंक ये कम हो चुका है। अब हम निकलते हैं यहाँ से फाइट की तरफ कुछ टेम करने के लिए। और ये इस सेंस में तो हमारे पास वैसे तो रॉ मीट नहीं है। ओ सेट, फिर से मेरा नहीं होना चाहिए था, मैं हर बार भूल कैसे जा रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ तक बात है स्टोन्स का, तो पहले मैं स्टोन्स फेंक के आ जाता हूँ, फेंक के इन द सेंस बेस में रख जाता हूँ। ठीक है कुल क्या, हम रेडी है जाने के लिए। और मेरा वैसे भी दूसरा एलिफेंटोसॉरस मेरे पास ही है, तो ज़्यादा दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। क्योंकि मैं भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें मुझे ऐसा डायनोस मिल जाता है जिन लोगों से मैं एनकाउंटर नहीं कर पा रहा, तो मैं अपना दूसरा एलिफेंटोसॉरस को बुला लूँगा। अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा और पानी का ज़रूरत है। फूड का वैसे तो टेंशन नहीं है हमारे पास है, जहाँ तक बात क्या हम चल रहे हैं। अरे ये लोग ऊपर कर क्या रहे हैं, नहीं अभी पानी में मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ जब तक मेरा आर्मर ना बन जाए। 1 मिनट, आर्मर से याद आया, शायद मेरा टाइम आ गया था इसको बढ़ाने का। 10 से 20 आर्मर तो एटली हो जाता। फाइबर हाइड छोड़ो, रास्ते में कहीं हाइड मिल जाएगा तो उससे बना लेंगे। फाइबर का क्या टेंशन है, फाइबर तो ये हो गया। हाँ फाइबर नहीं हुआ। ओके बाय द वे, डैमेज कितना दे रहा है मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा। डैमेज और टॉर्पोर लेवल, उस हिसाब से ही मैं कोई भी रिस्क ले पाऊंगा। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, कुछ ज्यादा ही जम के मार दिया इसने। इतना भी बुरा नहीं करना चाहिए था यार एलिफेंट ऑफ़ क्या किया बोलना बेचारे के साथ, बेचारा पूरा तड़प गया। एंड जहाँ तक बात है डैमेज का, अरे ये अलग जिंदगी में जी रहा है। 160 एंड आई थिंक वो 160 मेरा एलिफेंटोसॉरस ज़्यादा डैमेज दे रहा है 160 से। तो हाँ मुझे कुछ फाइबर चाहिए था। आई थिंक हम लोगों का ये भी कंप्लीट हो चुका है। क्या हम लोगों को आज रैप्टर मिलेंगे, ताकि रैप्टर हम टीम में। वैसे तो मुझे ओके, हम लोगों को यहाँ कुछ मिल गया है। क्या है ये, तो कितना देर के लिए बफ मिला है हम लोगों को। आई थिंक इसको भी लेने का बारी आ गया है, क्योंकि इसको भी कहीं ना कहीं अब बफ मिल ही जाएगा। एंड फॉलो, चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। मेरे पास दो दो एलिफेंट है, अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये कौन सा डाइनो है, मुझे नाम सही तो दिख नहीं रहा है। इसका फुल डैमेज बढ़ा और इसका भी हेल्थ बढ़ा। 1 मिनट, ये क्या था, 1 मिनट वो ट्राइसेराटॉप्स था। अरे 1 मिनट, वो ट्राइसेराटॉप्स था मुझे भी पता था, बट वो कौन सा ट्राइसेराटॉप्स था मैं कैसे जानूंगा। चलो
तो मैं सोचो इन लोगों का टॉर्पर लेवल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ क्यों है? मरते जाऊं क्या? ये क्या है? सरलपेत्रा? नहीं बनाना, नहीं इसको नहीं मानना है। अरे यार पहले पीछे चेक करके आते हैं और उसके बाद फिर एक साइड में जाएंगे। वैसे तो मुझे सामने एक बहुत ही गजब सा कार्निवोरस दिखा। टेरानो टाइटन 90 लेवल। ओके एक मिनट, फोन है क्या? तो ये जुरासिक पार्क के वो सेट। अरे यार इन लोगों को मारने का क्या जरूरत है? हेल्थ देख भी पा रहे हैं लोगों का 4,000 हेल्थ है। वो मारेगा अब यहाँ पे डेंजर शुरू हुआ। क्या हो गया? मेरा किस्मत इतना ज्यादा खराब हो गया। ओ सिट ओ सिट ओ सिट 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 कौन है ये? और मैं दोनों साइड से क्यों फंसा हुआ हूँ? नौकर टाइम में मेरा हाफ हेल्थ होने वाला है। हाँ पे मेरा दूसरा वाला एलिफेंट उसका रखा है। वैसे तो ये मरने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसके पीछे वाले का मैं क्या करूँ? ओ जुरासिक पार्क का स्पाइनो। अरे मुझे उन लोगों का डीएनए कलेक्ट करना है यार, रुक जा एक मिनट। वो स्पाइनो था तो मुझे उसको लिंक करना किया था ना कि यार ये लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरा हेल्थ भी ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, बट ये है कि मेरा जितना डबल एक्सपी है जितना है क्वाड्रपल एक्सपी है, इससे ज़्यादा तो मेरा एलिफेंटोसॉरस को ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। ओके मेरा एलिफेंटो, मेरा एलिफेंटो जैसे तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है क्या मैं उतार सकता हूँ? सीरियसली मैं सर जोक कर रहा था। ओके अरे यार मुझे इस एलिफेंटो को टेम करना चाहिए था। मुझे एलिफेंटो सॉरी क्या बोलते हैं, स्पाइनो को मुझे टेम करना चाहिए था। ओ आ गया आ गया। ये कौन सा एलिफेंटो है? 21 लेवल। ओ एक्सपीरियंस वाले से बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। रेस्ट्रिक्ट भाई तेरे को कौन बोल रहा है लड़ने के लिए, रुक जा यार। आजा आजा और दो दो बार में मैं पीटूंगा। रुक जा रुक जा रुक जा, भाग क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है? जुरासिक पार्क का स्टीगो भी मुझे यहाँ दिख रहा है और उसके पास ओके सो वो वहां पर लड़ रहा है। ओ सिट 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 मैं अब प्रॉब्लम हूँ। ओके मेरा एक एलिफेंट तो मर चुका है। हाँ बहुत बुरा हुआ, उसके बाद मैं उसको छोड़ा क्यों अकेले? मैं ये सोचता हूँ मुझे उसको। ओ सिट 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 सामने मुझे एक बहुत डेंजरस डाइनो दिख रहा है। हाँ मैं यहाँ पे मार रहा हूँ तो भाग रहा है। उसके इन्वेंटरी में क्या है? कुछ नहीं। ठीक है बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन था मेरे पास। वैसे भी अभी भी 200 सेकंड और है, लाइक 3 मिनट के आसपास मैं और भी कर सकता। स्पेशल एक्सप्लोरर नोट फाउंड। ठीक है मेरा बेचारा एलिफेंटोसॉरस, उसने सैडल सॉरी उसने कुछ डीएनएस तो कलेक्ट किए है, बट बेचारा लास्ट में वो जिंदा नहीं रह पाया तो बहुत खराब लगा। अब उसका हाइड मैं कलेक्ट कर रहा हूँ और क्या। ओके
तो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है। मुझे सामने एक बहुत ही अच्छा सा डाइनो दिखाई दे रहा है। अरे यार, मैं उसका नाम भी नहीं चेक कर पा रहा हूँ। ओके, आई थिंक सभी के सभी मैं अगर डैमेज में बढ़ा दूंगा तो सही रहेगा, ताकि मेरा ना भी ये ना हो। डीएनएस जितना भी अवेलेबल है डीएनएस को हम हटा देते हैं ये, और उसके अलावा मुझे वैसे तो इन सब में किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये बहुत है। ठीक है, डीएनए तो डीएनएस को सबसे पहले तो ऊपर पूरा कर दो, जितने भी डीएनएस है। ओके, सबसे पहले जो बेसिक डीएनए है उसको अलग कर दो, तो ताकि हम जान सके कि एक्चुअली में मुझे कौन कौन से डीएनएस मिल रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक रैप्टर दिखाई दे रहा है, होप कि वो हाई लेवल का हो। 50 लेवल का रैप्टर है क्या? एक मिनट, 3K टॉर्पर, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मुझे एक कार्निवोरस डाइनो चाहिए, जिससे मैं एक्चुअली मैं अगर मैं डैमेज दे भी रहा हूँ तो हार्वेस्ट भी कर सकूँ। ऐसा नहीं है क्या एक एक बार डैमेज दूँ फिर हार्वेस्ट करने के लिए फिर से नीचे आऊँ। मेरा कितना लो? ओ शिट, सिर्फ एक एक्सप्लोरर नोट ने मेरा इतना ज़्यादा हेल्थ बढ़ा दिया। मतलब ठीक है, और उसके अलावा आई थिंक ये कितना बढ़ चुका है मेरा वैसे। बाय द वे, हम कितने लेवल? 59 लेवल के हम ऑलरेडी हो चुके हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारे रैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे डर लग रहा है कि अगर इतने सारे रैप्टर्स के साथ में, 100 लेवल का रैप्टर है, 30 लेवल का रैप्टर है, और फिर उसके बाद एक 50 लेवल का है, तो 100 लेवल वाला मुझे वो दिखाई दे रहा है। बट आई डोंट थिंक कि वहाँ तक जाना सही रहेगा। अरे यार, हर जगह 400 डैमेज कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है। ओ, मेरा अभी भी एक्सप्लोरर नोट था। मुझे 100 वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करूं? नीचे की साइड है। ओह शिट, इनको मारना है। शिट, अरे यार तीनों मर गए, किस्मत ही खराब है। हाँ, मुझे 100 लेवल का एक पिछला सोना का चाहिए था यार, अब मैं क्या करूँ वही सोच रहा हूँ। क्या और यहाँ पर रैप्टर्स अवेलेबल है? नो, यहाँ पे जो एक कौन सा डायनो है, ट्राइक के पीछे, ट्राइसराटॉप्स के पीछे कौन सा है? टेरानोटाइटन, नो आइडिया कैसा डायनो है। जो नॉकआउट में हो सकेगा हम उसको अभी टेम कर रहे हैं। वैसे भी हमारे पास 112 ट्रैंक कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का अब तक शायद मेटल्स बन चुके होंगे, मेटल इंगोट, तो हम क्या करेंगे कि उससे अब अपग्रेड स्टेशन बनाएंगे, और अपने सब वेपन्स को धीरे धीरे अपग्रेड करने का कोशिश करेंगे। यूरोपस सोरस, ये कुछ टाइप का डायनो। क्या मुझे यहाँ पर कोई बेटर डायनो दिखने का चांसेस है, लाइक एनी बेटर कार्निवरस काइंड ऑफ? ओ, प्राइमल आउल, ये क्या है? ओके, क्या हुआ? 80 लेवल, 50 लेवल,
शायद वो दोनों नॉक हो चुके हैं। हाँ बाय द वे, इन दोनों को क्या क्या चाहिए? ओ रॉ मशीन, आई लाइक इट ठीक है। शायद तुम होने वाला टाइम, ओ बहुत ज़्यादा जल्दी। और ये किस टाइप का डायनो है? नो आइडिया, कुछ टाइम के बाद ही मुझे पता चल जाएगा। चलो तो हम लोगों का आउल का काम हो चुका है। नो आइडिया कि ये क्या करेगा, इसके बारे में हम पता करेंगे अगले एपिसोड में, जानेंगे क्या है। तब तक के लिए अभी हम उसको अंदर रख देते हैं। सो ये है कमारा सरस। वैसे तो मुझे कुछ यहाँ पर ज़्यादा खास दिखाई नहीं दे रहा कमारा सरस में। टैबजरा शायद ये यहाँ का है, क्या बोलते हैं, जुरासिक का है, क्योंकि इसका आइकॉन मुझे अलग दिखाई दे रहा है। नहीं सोच रहा ना कभी, ठीक है तो भाग जल्दी यहाँ से। क्या मुझे यहाँ पे, ओ सामने मुझे सार्को तो दिखाई दे रहा है, बट अगर सार्को हाई लेवल का होगा तो मैं पक्का टेम करूँगा सीरियसली, क्योंकि सेट रुगोप्स नो आइडिया कैसा है। मुझे यहाँ पे आलोसोरस टाइप का कुछ दिखता है। रेक्सी 300, 330 और स्कॉर्पियो वेनेटर, ये 330 है। ओके और वो कौन है? वो गीगा टाइटन है जिसने मुझे मारा था पहले, जो उससे बच के रहना है। अरे यार क्या करें इसका। हाँ मैं कॉमन सेंस से उसको तो टेम कर नहीं सकता हूँ। मुझे ये छोड़ के चले जाना चाहिए। 30 लेवल का सर्पर, सीरियसली मैं यहाँ पर हाई लेवल का ढूंढ रहा हूँ मैक्स लेवल का, तो मुझे 30 लेवल का दे रहा है वो। प्लेटियोसॉरस, आई थिंक ये वही डाइनो है जिसको जो से नार्कोटिक्स बनाता है। अलावा तो मुझे वैसे तो यहाँ पर और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। दूर मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। ओह शिट, बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लेटियोसोरस और भी एक है, ठीक है यहाँ से निकलते हैं अभी के लिए। तो मोनोलोफोसोरस, मैं ये डायनो पहले बार देखता हूँ। अरे यार इनमें तो कोई तो डायनो होता जो एटलीस्ट मुझे ये दे पाता, क्या बोलते हैं, बेटर रिसोर्सेस टाइप का कुछ। आई थिंक मेरे पास एक रैप्टर आ चुका है। 7.9 टॉर्क और सिर्फ 160 लेवल के डायनोसॉर, क्या करूं? हैं?
सीरियसली पहले तो इसको मारो, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये लोग ब्रांटो नहीं है ना, ये अकेला ही ब्रांटो है क्योंकि वो अकेला आ रहा है। मान लीजिए मुझे मेरा स्ट्रक्चर गया, जल्दी एक काम करते, प्राइम मिन कलेक्ट कर लेते पहले तो, बाकी का तो टेंशन नहीं है क्योंकि हाइड मेरा होते जा रहा है, हाइड अब होते ही जाएगा, उतना टेंशन नहीं है। एक मिनट, सामने कोई, अरे यार मेरा कितना अच्छा था ये सबका, ये चले गया। अरे एक मिनट, वो किस टाइप का डाइनो है? डेल्टा ड्रोमिया, वो क्या लाइट सबको दिखा रहा है डायनो को? मैं उस डायनो को टेक करना चाहूंगा। गिगांटोसॉरस, वैसे तो वो सिर्फ रॉ मीट ही खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट दिक्कत ये हो रहा है कि इधर गीगा है, कौन कौन सा डायना वो? एक उन लोगों ने मिलके किसी को मार दिया। तो ट्राई सर ऑटोप्सी है, तो फिर उन लोगों ने उसी को क्यों मारा? और वो गीगा किधर गया? और वो दूसरा टाइप का गीगा था, मतलब बेस वेनिला गीगा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि शायद दूसरा काइंड ऑफ गीगा। मैं भी जुरासिक वर्ल्ड का गीगा होगा। ऑस्ट्रोरैप्टर, वो किस टाइप के डाइनोज हैं? मुझे थोड़ा डर लग रहा है उन लोगों से। अगर वो लोग अलग अलग होते तो मैं भी शायद चांसेस था। एक काम कर सकता हूँ, किसी एक के पास जाके देख सकता हूँ। नहीं, अभी तक तो वो लोग अटैक नहीं किया मुझे। और ये क्या है, क्रोनोसोरस? पॉजिटिव टाइम है बट कुछ भी उसका इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, मुझे थोड़ा तो उसमें डरावना सा फील आ रहा है। उसका क्या करूँ, ये रॉ प्राइमेट खाएगा, मेरे पास वैसे तो है बट ओके। और ये श्योर कि ये तीनों फ्रेंडली है? चलो आगे उसको लेके आ जाते, वो लाइट वाले डाइनो को, और फिर इन तीनों को भी लेके चलते। मैं सोचा नहीं था कि ये लोग इतने आसान निकलेंगे,
बट जब तक पासिव डाइनोस मिल रहे हैं तब तक लेके रख लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आई होप कि वो मरा ना हो। वही मैं भी सोचो कि एक ट्राइसरोटॉप्स इतना छोटा क्यों है। येरा 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 एक्चुअली में इन लोगों का जितना भी डेमोन्स्ट्रेशन होगा हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि इस एपिसोड में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही डायनोस को टेम कर लिया है, और आधे से ज़्यादा डायनोस के बारे में तो मैं जानता भी नहीं कि वो सब काम कैसे करते हैं। उन लोगों के बारे में आराम से करेंगे। मुझे पहले एक काम करता हूँ, क्रैबी को रख देता हूँ अपने इन्वेंट्री में, और आउल को रख लेता हूँ अपने कंधे पर, ताकि पता तो चले कि अरे यार बहुत ज़्यादा पेड़ है। ठीक है, और उसके बाद पता नहीं। ठीक है, तो आई थिंक दे आर रेडी टू ईट नेक्स्ट। ठीक है, जो भी हो, तीन मुझे एटलीस्ट रैप्टर्स तो मिल रहे हैं। वो रैप्टर किस टाइप के हैं वो तो मुझे नहीं पता है। हाँ, तो मुझे करना था ये 7 प्राइमल आउल, और इसको डालो अंदर। किधर गया? ओहो हाँ, यही तो है वो क्रैब। और ये क्या है? ओह, तो वो लोग सिलिका पल उनके इन्वेंटरी में बनता है, बट बहुत कम अमाउंट में। मैं भी शायद अटैक बढ़ाने से हो जाएगा। चलो, इसका तो वैसे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बट तब भी मैं इसका डैमेज बढ़ा देता हूँ। क्या पता ये शायद मुझे बचा ले किसी चीज़ से। ये सब तो नहीं है, ये सब में बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लोगों को कुछ यूनिक यूनिक डायनोस का टेस्टिंग करना है, जिन लोगों को अगले एपिसोड में देखते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।